वेलकम बैक गाइस। क्या आपको भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते समय टेस्ट कार्ड में एक गाढ़ा कलर का लाइन दिखाई दे रहा है और उसकी तुलना में जो दूसरा लाइन है बहुत ही फीका है, हल्का गुलाबी कलर का अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आप लोग इसका मतलब क्या समझोगे, क्या इसका मतलब प्रेगनेंसी होता है या फिर प्रेगनेंसी नहीं है। तो देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसका मतलब प्रेगनेंसी होता है तो गलत होगा, और अगर मैं आपको इसका मतलब ये बोलूं कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है तो भी गलत होगा, क्योंकि इस हल्की लाइन आने के मुख्य नौ कारण होती हैं, नौ वजह होती है जिसके कारण आपको टेस्ट कार्ड में हल्की लाइन देखने को मिलती है। अब आपको ये देखना है कि आपके केस में वो कौन सी वजह है इन नौ वजह में से जिसके कारण आपको टेस्ट कार्ड में हल्का लाइन देखने को मिल रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं ये नौ वजह कौन कौन सी होती हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये जो टेस्ट कार्ड आप लोग यूज करते हो ये काम कैसे करता है। ये जो टेस्ट कार्ड होते हैं ये पेशाब के अंदर प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, जिसे हम लोग बीटा HCG बोलते हैं। तो ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है ये प्रेगनेंसी हार्मोन बीटा HCG को पता लगाने का काम करते हैं। होता ये है कि जब कोई महिला गर्भवती हो जाती है और जो बच्चा है, जो शिशु है, जब बच्चेदानी के अंदर जाकर इम्प्लांट होता है तो जो बच्चा है वो इस प्रेगनेंसी हार्मोन को बनाना स्टार्ट करता है, जिसे हम लोग बीटा HCG बोलते हैं। कुछ समय के बाद ये जो प्रेगनेंसी हार्मोन है ये महिला के पेशाब से होता हुआ शरीर से बाहर निकलता है। ऐसी परिस्थिति में जब आप लोग प्रेगनेंसी के साइनो सिम्टम्स के आधार पर, या कई महिलाओं को जब पीरियड्स नहीं आते हैं और ऐसी स्थिति में जब आप लोग प्रेगनेंसी की जाँच करते हैं, तब आप लोग पाते हैं कि इस टेस्ट कार्ड में आपको दो लाइन दिखाई देती है। अगर आपको क्लियरली दो लाइन, साफ साफ तौर पर अगर दो लाइन दिखाई देती है तो उसका मतलब होता है कि आपको प्रेगनेंसी है। अगर आपको टेस्ट कार्ड में एक लाइन दिखाई देती है तो उसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है। लेकिन नौ वजह के कारण कभी कभी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में एक हल्का लाइन देखने को मिलता है। इस लाइन के आने की नौ वजह होती है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला कारण है कम दिनों की प्रेगनेंसी, मतलब अगर आप लोग पीरियड साइकिल की डेट मिस होने से पहले ही प्रेगनेंसी की जांच करते हैं तो आपको हल्की लाइन देखने को मिल सकती है। ऐसी कंडीशन में ये मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। ऐसे ही अगर मान लो कि आपने देरी से कंसीव किया है, जो कि यूजली जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या फिर जिनको PCOD PCOS की समस्या रहती है तो उनको देरी से कंसीव होता है, जिसे हम लोग डिलेड कंसेप्शन बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर आपके पीरियड्स मिस भी हो जाते हैं, एक दो दिन हुआ है और आप लोग प्रेगनेंसी की जांच करते हैं तो भी आपको हल्की लाइन देखने को मिल सकती है, और इस स्थिति में हम लोग ये बोलेंगे कि आपको प्रेगनेंसी है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो लाइन है ये डार्क हो जाए तो आपको दोबारा से टेस्ट करना होता है। अगर आप लोग 5 दिन के बाद दोबारा से टेस्ट करते हो तो ये जो लाइन है डार्क हो जाती है। अब जो लोग ये चाहते हैं कि ये जो COT लाइन हमें दिखाई दे रही है ये बिल्कुल एक जैसी हो जाए, तो इसके लिए आपको जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो 7वें से 8वें सप्ताह पर करना होगा अकॉर्डिंग टू योर लास्ट पीरियड डेट। अगर आप लोग 7वें से 8वें सप्ताह पर प्रेगनेंसी की जांच करेंगे तो ये दोनों लाइनें एक जैसी हो जाती हैं रंग में। अगला जो कारण है वो ये है कि अगर आप लोग प्रेगनेंसी ख़त्म करने वाली दवाइयां खाते हैं, जो 5 गोलियां आती हैं जिसे हम लोग MTP किट बोलते हैं, अगर आप लोग खाते हैं आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और ब्लीडिंग के स्टॉप होने के बाद अगर आप लोग प्रेगनेंसी की जाँच करते हैं तो भी आपको हल्की लाइन दिखाई देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी क्लियर नहीं हुई है या फिर आपको प्रेगनेंसी है, क्योंकि सामान्यतः जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है ये आपको 18 से 21 दिनों तक प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में हल्की लाइन शो करते हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको 21 दिन के बाद प्रेगनेंसी की जांच करनी है। अगर आपकी प्रेगनेंसी क्लियर हो गई होगी तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में एक लाइन ही शो होगी। इसी प्रकार जो लोग सफाई कराते हैं तो सफाई करवाने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में हल्की लाइन देखने को मिल सकती है। ये लाइन आपको 14 दिन तक देखने को मिल सकती है। अगला कारण है मिसकैरेज।
मतलब आप लोगों ने कोई दवाई नहीं खाई या फिर आपने सफाई नहीं करवाई और आपका जो प्रेगनेंसी है वो नेचुरली ख़राब हो जाती है, जिसे हम लोग मिसकैरेज बोलते हैं, और आपको अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, अब इस ब्लीडिंग के स्टॉप होने के बाद अगर आप लोग प्रेगनेंसी की जांच करते हैं तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में एक हल्की लाइन देखने को मिलती है। ये लाइन 21 से 28 दिन तक आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी खराब हो जाती है, जिसे हम लोग मिस्ड मिसकैरेज बोलते हैं, ऐसे में आपको ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है और आप लोग देखेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी ग्रो नहीं हो रही, अगर अल्ट्रासाउंड कराओगे और प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में आपको एक हल्की लाइन देखने को मिलेगी। अगला कारण है RPOC, मतलब बच्चेदानी के अंदर बच्चे के कुछ प्रोडक्ट्स रह जाना। होता ये है कि अगर आप लोग जो प्रेगनेंसी ख़त्म करने वाली दवाई खाते हैं, 5 गोलियां अगर गलत तरीके से खाते हो, या किसी भी वजह से अगर बच्चेदानी के अंदर बच्चे के कुछ प्रोडक्ट्स रह जाते हैं, या सफाई करवाते हो अगर सफाई के बावजूद बच्चे के कुछ प्रोडक्ट्स रह गए, या फिर मिसकैरेज हुआ, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और ब्लीडिंग होने के बावजूद अगर बच्चे के कुछ प्रोडक्ट्स रह गए, तो भी आपको टेस्ट कार्ड में हल्की लाइन देखने को मिल सकती है। अगला कारण है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब सामान्यता जो प्रेगनेंसी है वो बच्चेदानी के अंदर ग्रो होती है, जो बच्चा है वो बच्चेदानी में धीरे धीरे ग्रो होता है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो बच्चा है वो बच्चेदानी के साथ ट्यूब होती है, जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, अगर बच्चा वहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है और वहाँ पर ग्रो होता है, तो भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में हल्की गुलाबी लाइन देखने को मिलती है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो ये महिला के लिए जानलेवा कंडीशन है, इसमें इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ता है। अगली कंडीशन है केमिकल प्रेगनेंसी। अब केमिकल प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि अगर आप लोग कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, कोई ऐसा केमिकल ले रहे हो जिससे आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में फेक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, तो हम लोग उसको केमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं। सामान्यतः ऐसी कंडीशन तब होती है जब आप लोग फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेते हो या फिर आप लोग SCG का इंजेक्शन आता है, ठीक है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए भी देते हैं हम लोग, जब आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है कम दिनों की प्रेगनेंसी में, या फिर ओवल्यूशन इंडक्शन के टाइम अंडे को रिलीज करने के लिए भी SCG का शॉट देते हैं, तो इस इंजेक्शन के कारण भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में एक हल्की गुलाबी लाइन देखने को मिलती है। इसे हम लोग केमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है, जो दवाइयां जो आप लोगों ने केमिकल नहीं है उसके कारण आपको प्रेगनेंसी शो हो रही है। अगला कारण है कि अगर आप लोगों ने जो टेस्ट कार्ड है वो लोकल ब्रांड कंपनी का यूज़ किया है, या एक्सपायर टेस्ट कार्ड यूज़ किया, या आप लोगों ने टेस्ट कार्ड को खोला और उसको रख दिया और आधे पौने घंटे के बाद अगर आप लोग उस टेस्ट कार्ड से प्रेगनेंसी की जाँच करते हो, या टेस्ट कार्ड को अगर आप लोग फ्रिज में रख देते हो, तो ये टेस्ट कार्ड आपको फेक पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ऐसी कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है। अगला कारण ये है कि अगर किसी लड़की को या महिला को हार्मोनल इश्यूज हैं, अंडेदानी में रसौली है, PCOD है, PCOS है, थायराइड की दिक्कत है, या कोई मेडिसिन उनको चल रही है, और आप लोग जिस दिन पीरियड आने वाले हैं, जिस दिन पीरियड्स की डेट एक्सपेक्टेड है, अगर आप लोग उसके नियरली अबाउट प्रेगनेंसी की जाँच करते हैं, तो हार्मोनल फ्लैक्चुएशंस के कारण, हॉर्मोन्स में बदलाव आने के कारण भी आपको फेक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। अगला कारण ये है कि अगर आप लोग यूरिन को स्टोर कर लेते हैं, मान लीजिए कि जो यूरिन है वो आप लोग सुबह कलेक्ट कर लेते हैं और शाम को प्रेगनेंसी की जांच करते हैं, तो ऐसे यूरिन से भी आपको फेक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगला कारण है कि अगर आप लोग कोई दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स किसी बीमारी के कारण, या फिर आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, गर्म चीज़ें खा रहे हो, काढ़ा पी रहे हो, या कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप लोग ले रहे हैं, या फिर जड़ी बूटियाँ ले रहे हो, तो इन वजह से भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में हल्की लाइन देखने को मिल सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती है प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से कि उनको प्रेगनेंसी है कि नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए आप लोग ब्लड टेस्ट करवा सकते हो। ब्लड टेस्ट का नाम है सीरम बीटा SCG। ये ब्लड से होता है और ये आपको 100% रिजल्ट देता है कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है। इस पर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी आप लोग चाहें तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। अब जो लोग ब्लड टेस्ट नहीं करा सकते हैं वो एक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं लोअर एब्डोमन एरिया का, जिसे हम लोग पेल्विक अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। इससे भी आप लोग अपनी प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।
कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में हल्की लाइन क्यों दिखाई देती है। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को काफ़ी यूजफुल रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।